होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रीस एक ऐसा देश है जिसका इतिहास सबसे पुराना है। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसने पूरे यूरोप को बसाया है। यहाँ की सभ्यता बहुत अलग है और बहुत ऐतिहासिक भी है। लेकिन आज हम आपको प्राचीन ग्रीस के बारे में कुछ बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको प्राचीन ग्रीस के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, मिलो ऑफ क्रोटन। दोस्तों दुनिया के सबसे महान पहलवान थे ये। जी हाँ, कहते हैं कि पहलवानी करना सिर्फ ताकत की बात नहीं होती है, ये आपकी लाइफ है और कई लोगों को आप इंस्पायर करते हैं। वो बात अलग है कि हमारे देश के एक पहलवान सुशील कुमार ने सबका मुंह काला कर दिया। लेकिन जब बात आती है ग्रीस के मिलो ऑफ क्रोटन के बारे में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने ओलंपिक गेम्स में बड़े बड़े पदक हासिल किए? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने अपनी ताकत के दम पर क्या नहीं जीता? दुनिया का कोई भी पहलवान इन्हें हरा नहीं सका। कहते हैं कि ये बुल को भी उठा लेते थे और ये 100% सच बात है। लेकिन इसके पीछे जानते हैं कि क्या रीजन है, आज हम आपको बताते हैं। जी हाँ, इसके पीछे वजह यह है कि इनके घर पर एक बछड़े ने जन्म लिया तो उसे इन्होंने उठाना शुरू किया। उसे उठाकर ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, ऐसा इन्होंने रोज किया। 4 साल के बाद जब ये बछड़ा बुल बन गया तब भी ये उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आज तक दुनिया में कोई भी इनकी बराबरी का ना तो पैदा हुआ और ना ही ऐसा बड़े दिल वाला था। इनका एक ही कहना था कि आप जो चाहते हो लाइफ में आप उसे हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बस एक ही चीज करनी होगी और वो है निरंतरता से काम। दोस्तों मिलो ऑफ क्रोटन के बारे में जानकर आपको भी बहुत ही इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा। ब्रेजन बुल। दोस्तों अब हम आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर एक मेटल बुल बनाया गया था जिसके नीचे आग जलाया जाता था और उस बुल में इंसान को डाल दिया जाता था ताकि वो धीरे धीरे आग में रोस्ट हो जाए। हाँ, समझिए कि किस तरह की मौत होगी। जी हाँ, कहते हैं कि इस बुल में कई तरह के म्यूजिकल तार लगे रहते थे और जब आदमी इस बुल के अंदर में रोस्ट हो रहा होता था तो उसे म्यूजिक का भी मजा मिलता था। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस में अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती थी। आपको बता दें कि जिन्होंने इसे बनाया था उसे ही सबसे पहले इस बुल में डालकर रोस्ट कर दिया गया था। दोस्तों जानते हैं कि इस बुल में म्यूजिक कैसे प्ले होता था? जी हाँ, जब कोई रोस्ट हो रहा होता था तब उसके स्टीम से म्यूजिक प्ले किया जाता था। आप समझिए कि यहाँ पर क्या क्या होता था। वाकई में ये तो शॉकिंग था। बर्थ कंट्रोल बाय स्नीजिंग। दोस्तों एंशिएंट ग्रीस में अजब गजब की चीजें हुआ करती थी। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश में छींक मारकर प्रेगनेंसी को रोकने का काम किया जाता था। अब आपको लगेगा क्या वाकई में कोई छींक मारकर अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकता है? ये साइंस के पास जवाब है। लेकिन ग्रीस की महिलाएं जब अपने पति के साथ प्यार करती थी या अपने चाहने वाले के साथ प्यार करती थी तब वो प्रेग्नेंट न हो इसके लिए छींक मारने का इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि जब आप किसी के साथ संभोग करते हैं और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो आप छींक मारकर इस परेशानी से दूर हो सकती हैं। लेकिन ग्रीस की महिलाएं इतने पर ही नहीं रुकी। जी हाँ, इन्हें कहा गया कि अगर आपको छींक से संतुष्टि न मिले तो आप एक और काम कर सकती हैं और वो था इन्हें ऊपर से नीचे कूदना पड़ता था। जी हाँ, लगातार ऊपर नीचे प्यार करने के बाद कूदना पड़ता था और ऐसे में ये महिलाएं प्रेग्नेंट होने से बच जाती थी। आप समझिए कि इस प्राचीन देश में क्या क्या होता था। विक्टोरियस क्रॉप्स। दोस्तों ये बात तो सबको पता ही है कि ग्रीस में खेल कूद को कितनी महत्वता दी जाती थी। जी हाँ, यहाँ पर आज भी लोग खेल को लेकर बहुत ही पैशनेट नजर आते हैं। लेकिन प्राचीन ग्रीस की तो बात ही अलग थी। कहा जाता है कि इस देश में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पैदा हुए और सब ने बड़ा नाम कमाया। लेकिन यहाँ पर खेल खेल में चीटिंग भी हो जाती थी। जी हाँ, वो भी बड़े से बड़े लेवल पर यहाँ चीटिंग होती थी। कहते हैं कि यही वजह है कि यहाँ पर मुकाबले के बीच में जिंदगी या मौत का सवाल होता था। कई बार हारने वाला तब तक हार नहीं मानता था जब तक कि उसे जान से नहीं मार दिया जाता था। जी हाँ, साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये किसी से भी नहीं डरते थे। एक कहानी ऐसी ही हुई थी जब एक बड़े पहलवान के पैर को दांतों से काट लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में इतनी खतरनाक लड़ाई हुई कि अंत में जाकर एक पहलवान की जान चली गई और दूसरे को विजेता घोषित कर दिया गया। ये थी इस देश की सच्चाई। थ्रोइंग एप्पल। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। हम आपको बता देते हैं कि क्यों ग्रीस में एक दूसरे के प्रति सेब फेंक कर प्यार का इजहार किया जाता था। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर हजारों साल पहले इस मान्यता की शुरुआत हुई थी। जो भी मर्द या औरत किसी को पसंद करते थे वो एक दूसरे के ऊपर सेब फेंक देते थे। कहा जाता है कि जो भी इस सेब को कैच कर लेता था वो समझिए कि रिश्ता बनाने के लिए तैयार होता था। क्या बात है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपको अगर कोई खूबसूरत सी लड़की दिख जाती थी तो आप उसके ऊपर एक सेब फेंक देते थे। इसको लेकर भी यहाँ पर कई भयानक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। कहते हैं कि 6th सेंचुरी में किसी राजकुमारी के ऊपर किसी योद्धा ने सेब फेंक दिया था जिसके बाद यहाँ पर बहुत ही भयानक लड़ाई हुई थी। आप समझिए कि यहाँ पर एक सेब के फेंकने मात्र से कितना बवाल हो गया। कई राज्यों में यहाँ पर लड़ाई हो गई और कई योद्धाओं की जान भी चली गई। सिकिम। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में आज से 200 से 300 साल पहले बहुत ही गलत तरीके की सजा महिलाओं को या क्रिमिनल्स को दी जाती थी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में अदरक को डाल दिया जाता था।
ताकि उन्हें कष्ट हो सके। जी हाँ, साथ ही अगर कोई क्रिमिनल होता था जो कि बड़ा अपराध करता था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। उसके पीछे के हिस्से में भी यहाँ पर अदरक डाल देते थे और दोनों हाथों को बांध दिया जाता था ताकि वो अपने दर्द से तब तक छुटकारा ना पा सके जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। ये भी बहुत ही अजीब सी बात थी। रेड लिपस्टिक। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर रेड लिपस्टिक की क्या इम्पोर्टेंस थी। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर जो महिला शारीरिक सुख देती थी पुरुषों को, उन्हें रेड लिपस्टिक लगा कर रखना होता है। जी हाँ, कहते हैं कि ये यहाँ का नियम था। अगर कोई महिला रेड लिपस्टिक लगाए बिना ही इस तरह के काम में लिप्त पाई जाती थी तो उन्हें फाइन किया जाता था। साथ ही आपको यही बता दूं कि यहाँ पर महिलाएं बड़े लेवल पर देह व्यापार में लिप्त रहती थी। जी हाँ, यहाँ पर हर रात की महफिल लगती थी जिसमें कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत महिलाएं आती थी और लोगों को आनंद देती थी, लेकिन सिर्फ रेड लिपस्टिक में। अगर उन्होंने ये नियम फॉलो नहीं किया तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था और कैदियों के बीच में छोड़ दिया जाता था। और आगे क्या होता होगा ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। तभी तो कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस की कुछ चीजों को जानने के बाद लगता है कि ये बहुत ही अलग किस्म का देश था। विदाउट क्लॉथ एक्सरसाइज। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर बिना कपड़ों का कसरत करना अच्छा माना जाता था। जी हाँ, अगर आप मेल हैं तो आपको बिना कपड़ों में ही एक्सरसाइज करना होता था। दोस्तों ये कोई नियम नहीं था, लेकिन आप समझिए कि ऐसा ही सब करते थे। माना जाता है कि ऐसा करने पर वो ऊपर वाले को खुश करते थे। यहाँ के जिम में युवा घंटों समय बिताते थे और युद्ध पर बातें होती थी। ये रणनीति बनाया करते थे। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ही बूढ़े लोग होते थे वो लगातार युवकों को समझाते थे कि जब लड़ाई होती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। बर्निंग टेम्पल। दोस्तों आर्टेमिस का मंदिर इतना बड़ा था कि इस मंदिर को बनाने के लिए 120 वर्ष का समय लगा। विश्वास करना तो कठिन है, लेकिन ये प्राचीन समय में बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक था। ये मंदिर 550 BC में बनाया गया था। इसकी नींव 377x40 फुट थी। ये यूनान के पश्चिमी तट के शहर अफासियस में मौजूद थी, जिसे हम सभी तुर्की के नाम से जानते हैं। टाइलों से ढकी लकड़ी की छत के बिना पूरा मंदिर संगमरमर का बना हुआ था। ये मंदिर यूनानी देवी आर्टेमिस को समर्पण के रूप में बनाया गया था। भवन निर्माताओं जिन्होंने ये मंदिर बनाया था चेर्सिफ्रोन तथा उसका पुत्र मेटागनेस के रूप में जाने जाते थे, लेकिन ये मंदिर लंबे समय तक मौजूद नहीं रहा। 550 BC में लीडिया के राजा करियोस ने एफसूस तथा एशिया माइनर के दूसरे यूनानी शहरों को जीत लिया। लड़ाई के दौरान मंदिर नष्ट हो गया। पहले के स्थान पर फिर एक और मंदिर बनाया गया था। मंदिर पर कई प्रकार का कला का काम भी किया गया था। आर्टेमिस के मंदिर में अमेज़न महिलाओं की 4 कांस्य की मूर्तियां रखी गई थी। इस मंदिर की लंबाई 425 फुट तथा चौड़ाई 225 फुट थी। इसके 60 फुट ऊंचाई वाले कुल 127 स्तंभ थे जो छत को सहारा देते थे। आज इस मंदिर वाला स्थान खाली मैदान है। पर्यटकों को याद दिलाने के लिए एक स्तंभ खड़ा किया गया है कि किसी समय प्राचीन विश्व का यहाँ अजूबा खड़ा था। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस मंदिर को एक डिजाइनर ने आग लगा दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके नाम को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है जितना कि देना चाहिए। आज के दिन यहाँ पर सिर्फ पिलर ही दिखाई देते हैं। दुनिया का सबसे भयानक युद्ध जिसमें जीता वो जो सबसे तेज भागा। क्या कोई युद्ध ऐसा भी होता है जिसमें पहले से तय हार को जीत में बदल दिया गया हो, वो भी सेना को तोड़कर? ये ईसा से लगभग 500 साल पहले की बात है। विशाल पर्शियन साम्राज्य अपने चरम पर था। पर्शिया के सम्राट डेरियस को ये मुगालता था कि ईश्वर उनके साथ है। डेरियस ने जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था उतना पहले नहीं देखा गया था। सिंधु नदी के किनारे से लेकर नील नदी तक सिर्फ फारसी झंडा लहरा रहा था। उस दौर में किसी भी राजा के पास इतना साहस नहीं था कि वो फारस की सेनाओं से टक्कर ले सके। जिस राज्य पर फारसी घेरा पड़ता उसका सीधा सा मतलब होता था आत्मसमर्पण करना है। डेरियस का मन पूरब से भर गया था, वो अब पश्चिम जीतना चाहता था। उसने अब अपना रुख यूरोप की तरफ किया। उस समय यूरोप के ग्रीस में सिटी स्टेट का दौर हुआ करता था, मतलब वहाँ राज्य थे जो मॉडर्न चीज थी। इसमें मुख्य एथेंस, स्पार्टा और क्रांत, लेकिन आत्मसमर्पण शब्द ग्रीक शब्दावली में जुड़ा नहीं था, क्योंकि 20 साल पहले ही एथेंस ने अपने राजा हेपियस से छुटकारा पाया था। अब वो एक गणराज्य था, एक गणराज्य जो कि अपनी आजादी के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता था। पर डेरियस को दूसरों की डिक्शनरी बदलने की आदत थी। डेरियस पहले से ही एथेंस से खफा था। वजह थी लोनियन विद्रोह। लोनियन एशिया माइनर का छोटा सा ग्रीक टापू था जिसे 540 BC में फारस ने जीत लिया था। 499 BC में यहाँ पर एरिस्टागोरस के नेतृत्व में ग्रीक लोगों ने फारसी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में एथेंस ने फारसी खेमे के खिलाफ अपने सैनिक भेजे थे। डेरियस भूला नहीं था इस बात को। उस वक्त के राजा मान और अपमान भूलते नहीं थे, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। ऐसी किमंदति है कि हर रोज खाने के वक्त डेरियस का एक सेवक उनके कानों में फुसफुसाता था, एथेंस को सबक सिखाना है। डेरियस ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल डेटिस को इस सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा। डेटिस ने 600 जहाजी बेड़ों के साथ दक्षिणी यूबोइन खाड़ी में अपने लंगर डाल दिए। एरिट्रिया पर कब्जा महज औपचारिकता थी। इस तरह पहला ग्रीक सिटी स्टेट दुश्मन के कब्जे में था। डेटिस को अपनी सेना पर पूरा भरोसा था। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।